तो आज हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के इंटरनल रीजंस क्या थे। भगवान जब आते हैं तो एक ही साथ में कई कार्य करते हैं। तो ये जो हमने कल पढ़ा वो एक प्रकार के रीजंस थे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जो बहुत ही गुह्य हैं, बहुत डीप हैं। वो क्या रीजंस थे? तो एक्चुअली ये थोड़ा विषय थोड़ा गहरा है समझने में, बट जस्ट टू गिव सम आइडिया। तो भगवान का मतलब जो शक्तिमान है, ही इज पोटेंट, उनकी अलग अलग शक्तियां हैं जिनके द्वारा भगवान की इच्छाएं सभी पूरी होती हैं। तो भगवान की इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। बेसिकली इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। कौन कौन सी हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। ये तीन प्रकार की उनकी एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी है जिससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलता है, बनता है, वो है इंटरनल एनर्जी। जिससे ये मटेरियल वर्ल्ड चलता है, बनता है, वो एनर्जी है एक्सटर्नल एनर्जी। और जो हम लिविंग एंटिटीज हैं, आत्मा, वो सब भी भगवान की एक प्रकार की शक्ति हैं, मार्जिनल एनर्जी। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की शक्तियां हैं भगवान, और जो भी कुछ है एग्जिस्टेंस में वो भगवान और उनकी शक्तियों का मिला करके दैट इज ऑल व्हाट इज देयर। तो हम जो है आत्मा, उनको मार्जिनल क्यों कहा गया है? हिंदी में उसको बोलते हैं संस्कृत में तटस्थ, तट में जो स्थित है। तट मतलब शोर, कोई भी नदी का किनारा होता है ना, उसको तो नदी, कोई भी चीज का जो किनारा होता है, किनारा किस चीज को बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन क्या है किनारे की, तट की डेफिनेशन क्या है? हाँ, नदी के नदी के तट का, कि नदी का तट या समुद्र का तट, उसकी परिभाषा क्या है? उसको किस जगह को तट बोलेंगे, किसकी बाउंड्री? नदी की बाउंड्री। तो फिर उसको जमीन नहीं बोलेंगे अगर उसके आगे, फिर जमीन में और तट में क्या अंतर हुआ? जो है वो जमीन जो नदी से बस सकी तट मतलब जो कभी पानी के, कभी उसमें पानी रहता है कभी नहीं रहता है, उसको तट कहते हैं। जहां तक नदी या समुद्र, जहां तक आता जाता रहता है, जो हमेशा पानी में रहता है उसको भी तट नहीं कहेंगे, जहां पर कभी पानी नहीं आता उसको भी तट नहीं कहेंगे। उनके जो बीच का स्थान है, जो कभी पानी का भाग बन जाता है, जो कभी नदी का भाग बन जाता है और जो कभी जमीन का भाग बन जाता है, उसको तट कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो जीव है, हम हैं आत्मा, उनको भी इसलिए तटस्थ कहा गया है क्योंकि वो कभी तो इंटरनल एनर्जी के कंट्रोल में रहती हैं और कभी वो एक्सटर्नल एनर्जी कंट्रोल में रहती हैं। कभी हम मेटल वर्ल्ड में रहते हैं, कभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। हम दोनों जगह रह सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी और मेटल वर्ल्ड में भी। इसलिए हम लोगों को तटस्थ शक्ति का, मार्जिनल। क्लियर? मेटेरियल जो एनर्जी है और जो इंटरनल एनर्जी और जो मार्जिन एनर्जी है, वो दोनों की क्वालिटी एक जैसी, दोनों ही चेतन है, दोनों ही कॉन्शियस है। लेकिन जो मेटल एनर्जी है वो अनकॉन्शियस है। जैसे ये मेटल, ये सब मेटल एनर्जी का भाग है, ये सब, इसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आत्मा के अंदर क्या डिफरेंस है इससे और आत्मा में, बड़ा डिफरेंस क्या है? आत्मा के अंदर चेतना है,
चेतनाएं मतलब चेतना के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक विल पावर होती है, एक एक्सपीरियंसिंग पावर होती है ना, इमोशंस ये सब होते हैं। तो ये सब चीज जो है ये चेतना के लक्षण है। तो ये मार्जिन एनर्जी में होती है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेतन है। तो ये दोनों गुण से एक ही है, मार्जिनल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनर्जी वो अलग है, वो अचेतन है, उसमें चेतना नहीं। तो जो भगवान की इंटरनल एनर्जी है उसमें भी तीन प्रकार हैं। एक है उसको टेक्निकली बोलते हैं संदिनी, संवित और अल्लादिनी शक्ति। संदिनी शक्ति है जिससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हर चीज बनती है, स्थापित होती है। और संवित है जिससे भगवान कोई भी चीज को जो जानते हैं वो उस शक्ति के माध्यम से जानते हैं, संवित। और अल्लादिनी शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, सेवा भगवान की जो भी होती है वो उस शक्ति के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से तीन शक्ति हैं भगवान की। तो जो भगवान की ये जो अल्लादिनी शक्ति है, उनको आनंद देने वाली शक्ति है, वही श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, और उसमें भी अल्लादिनी शक्ति है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। तो ये जो भगवान की जो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है राधा, तो वो भगवान की जो सेवा करती हैं उससे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस उनको मिलती है। भगवान का आनंद वर्धन होता है और साथ साथ में वो जो पर्सनैलिटी हैं जो भगवान की सेवा करती हैं, इंटर एनर्जी, वो भी अत्यंत आनंद का अनुभव करती है। ये गुण है भगवान का। भगवान के जो भी सेवा करता है वो भी भगवान के इस आनंद गुण का को शेयर करता है। एक्चुअली हम भी इसलिए कभी किसी की सेवा करते हैं, उस सेवा में एक आनंद मिलता है ना, उसका कारण यही है। ये सब भगवान की जो रस ओरिजिनल जो वो है उसी का ही एक मैनिफेस्टेशन है। तो जो राधा रानी को भगवान की सेवा में जो आनंद आता है वो भगवान कृष्ण को भी एस्टॉनिश करता है कि इनको मेरी सेवा में कैसे कितना आनंद कैसे आता है, ऐसा मेरे में क्या है। और उसी प्रकार से भगवान का जो सौंदर्य है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं राधा रानी, और वो भी कृष्ण को एस्टॉनिश करता है कि मैं मेरा सौंदर्य क्या है। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए संभव नहीं है कि जब तक कृष्ण कृष्ण के रूप में रहे तब तक उसको एक्सपीरियंस करें, है ना। उनको दूसरा रोल लेना पड़ेगा, राधा रानी का रोल लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए कि राधा रानी क्या एक्सपीरियंस कर रही है। कृष्ण रहते रहते वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कृष्णा की, राधा रानी को ऐसा क्या मिलता है मेरी सेवा में, क्या आनंद मिलता है, व्हाट शी एक्सपीरियंसेस अबाउट माई ब्यूटी। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्ण राधा रानी का जो मूड है उसको लेकर के अवतरित होते हैं, उसका मूड लेते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का ये रूप लेने के पीछे ये गहरा कारण है, हिडन डीप कॉज है कि दिस इज दैट फॉर्म ऑफ कृष्णा इन विच कृष्णा अपियर्स एज ए डिवोटी इन द मूड ऑफ राधा रानी टू सर्व कृष्णा, टू एक्सपीरियंस व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सर्विंग मी। अगर मुझे मेरी सर्विस में क्या टेस्ट है तो वो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक द पार्ट ऑफ सर्वेंट, देन ओनली आई कैन एक्सपीरियंस दैट, करेक्ट। सो ये एक मुख्य कारण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो जैसे राधा रानी भगवान की सेवा करती हैं जिस भाव में, उसी प्रकार से वो
भगवान की सेवा करते हैं, और साथ साथ में जो हमने कल डिस्कस किया सबको सिखाते हैं सेवा कैसे करनी, क्योंकि सारी जो सेवा होती है, सारी डिवोशनल सर्विस होती है, वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी की ही प्रोटेक्शन में, शेल्टर में होती है। शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, तो इसलिए हम जो भी सेवा अगर कर पाते हैं तो वो उन्हीं की कृपा से कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए आप वृंदावन में देखेंगे तो सब लोग वहाँ राधा रानी को पूजते हैं, राधे राधे, है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी की एनर्जी से इन्फ्यूज होना पड़ेगा, क्योंकि वही सेवा शक्ति है, भगवान की सेवा करने वाली शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु जो हमें भक्ति सिखाने आए हैं, क्योंकि राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, इसलिए उनका मूड लेकर के आते हैं, एंड देन इन दैट फॉर्म ही टीचेज अस हाउ टू सर्व कृष्ण बेस्ट। सो दिस इज अ सम टोटल ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मीन्स इन समरी ऑफ कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्यों आते हैं। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु जो हमें बता रहे हैं उनकी शिक्षाओं का हम पालन करेंगे, सो धीरे धीरे वी कैन ऑल्सो डेवलप लव ऑफ कृष्णा। वॉट इज मेंट बाई लव ऑफ कृष्ण? इस बहुत ही जगह में लव शब्द तो बहुत फेमस है, सब लोग बात करते हैं आई लव यू, लेकिन रियल जो कृष्ण लव है, लव फॉर कृष्णा, और जो हम यहाँ बहुत ही जगह में लव की बात करते हैं, उसमें धरती आसमान का अंतर है। बहुत ही जगह में जब कोई व्यक्ति बोलता है आई लव यू, उसका मतलब होता है यू प्लीज मी, यू ब्रिंग प्लेजर टू मी, उसका ये अर्थ होता है। आई लाइक यू मीन्स आई एंजॉय योर एसोसिएशन, करेक्ट, यही उसका अर्थ होता है ना। माई सेंसेस गेट प्लीज बाई यू, आई लव यू, करेक्ट। लेकिन जो कृष्ण प्रेम है उसका अर्थ है वी प्लीज कृष्णा, नॉट दैट कृष्णा प्लीजेज अस। ऑब्जेक्ट प्रेम, जब हम कहते हैं हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं। इस बहुत ही अगर कोई कहता है आई लव यू, मतलब यू प्लीज माई सेंसेस, आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए भौतिक जगत में क्या होता है, लोग मित्र बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, लवर बनते हैं, लेकिन तभी तक वो संबंध रहता है जब तक दूसरा व्यक्ति हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करता है, इंद्रियों में मन भी आ गया, और जहां पर हमें लगता है अभी ये इज नॉट प्लीजिंग मी, तो वहां पर वो संबंध खत्म हो जाता है। तो ये जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है उसको एक्चुअली काम कहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, लस्ट कहते हैं उसको। तो इस भौतिक जगत में जो भी लव के नाम पर चल रहा है रियली वो लस्ट है, वो लव नहीं है। लव जो है बिल्कुल सेल्फलेस होता है, लव में अपने स्वार्थ नहीं होता है, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की कोई डिजायर नहीं होती, केवल जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको संतुष्ट करने की इच्छा होती है सेल्फलेसली, उसको लव कहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो भी लव के नाम पे चल रहा है वो लव नहीं है, वो लस्ट है। इसलिए वहां पर जितने भी रिलेशनशिप है वो आराम से ब्रेक जाते हैं, और जितना आजकल हम आधुनिक समय में जा रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा ग्रॉस लेवल पर सेल्फिशनेस है। इसलिए कोई जो भी किसी को लव भी करता है तो इट इज वो पूरा ग्रॉस, उसमें सेल्फिशनेस की वजह से बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, छुट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसका फोकस जो था वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, दोनों लोग अपना अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन दे, जहां भी उसमें प्रॉब्लम आई ओके छूट जाता है। लेकिन जो ये लव होता है, और लव जो है वो भगवान के साथ ही हो सकता है, या भगवान को केंद्र में रख करके फिर अन्य जीवों से हो सकता है ना, क्योंकि भगवान ही वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ही इज अ लवेबल ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको किसी को संतुष्ट करना है तो यू शुड बी मोटिवेटेड टू डू दैट, उनकी इतनी सुंदर क्वालिटीज हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं दैट आई शुड सर्व हिम। इसलिए लव और सर्विस ये दोनों बिल्कुल कनेक्टेड, लव मीन्स टू सर्व, सेल्फलेसली टू सर्व इज कॉल्ड लव, टू सेल्फलेसली सर्व समवन इज कॉल्ड लव, एंड रियल लव एग्जिस्ट ओनली बिटवीन कृष्णा गॉड एंड सोल्स, क्योंकि वो नेचुरल रिलेशनशिप है। कृष्ण भगवान जो है वो उनके अंदर इतनी सुंदर क्वालिटीज हैं कि वो हमारा प्रेम आकर्षित कर,
मोटिवेट अस टू लव। और इन टर्न जब हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान आनंद से भरे हुए हैं, इसलिए उनकी सेवा करने से बाई प्रोडक्ट है कि वी ऑल्सो शेयर इन दैट हैप्पीनेस। तो इसलिए हमारा जो आनंद आता है भगवान की सेवा में, वो इस तरह से आता है कि हम भगवान की पहले निस्वार्थ सेवा करते हैं, और सेवा का बाई प्रोडक्ट है दैट वी ऑल्सो शेयर हिज हैप्पीनेस। हम इस भौतिक जगत में जो प्रयास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली हैप्पी होने का प्रयास कर रहे हैं, विदाउट सर्विंग कृष्ण। वी आर ट्राइंग टू डायरेक्टली बिकम हैप्पी बाई सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला गलत है, प्रोसेस गलत है। हैप्पीनेस का वो प्रोसेस नहीं है। वी कैन नेवर बी हैप्पी बाई डायरेक्टली ट्राइंग टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस। लेकिन जब हम कृष्ण की सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, उससे हम यानी आत्मा संतुष्ट होगी। अभी जो भी हमें सुख मिल रहा है, वो आत्मा का सुख नहीं मिल रहा है, वो शरीर के स्तर पे है, वो मानसिक है, वो माइंड के अंदर है, जिसको हम आत्मा जो है अपने को माइंड मानती है, और इसलिए माइंड के अंदर जो होता है वो उसको अपना मान लेती है। लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, आत्मा स्पिरिचुअल है और ये माइंड और बॉडी जो है मटेरियल है। इसलिए मटेरियल हैप्पीनेस कभी आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए अल्टीमेटली वी एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन। तो ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस वो हमें नहीं पता है, हम उसको गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं हमें सही फार्मूला सिखाने के लिए, द रियल फार्मूला ऑफ हैप्पीनेस। सो रियल फार्मूला है, वी कैन ओनली बिकम हैप्पी, वी मीन्स आत्मा, नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड। वी कैन ओनली बिकम हैप्पी बाई सर्विंग सेंसेस ऑफ कृष्णा। ये फॉर्मूला सिखाने के लिए आप, ओके, वी विल एंड हियर। एनी क्वेश्चन? क्या भगवान के भी सेंसेस होते हैं? यस, भगवान भी एक व्यक्ति है। हमारे सेंसेस होते हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ है? हर चीज का ओरिजिन तो भगवान ही है ना। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो इट मस्ट एग्जिस्ट इन गॉड, अदरवाइज वेयर इज द सोर्स ऑफ दैट थिंग। तो ये हमारा रूप है, शरीर है, क्योंकि भगवान का भी, इसलिए हमारी सेंसेस हैं। भगवान भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति, लेकिन वो परम व्यक्ति हैं, हम उन पर डिपेंडेंट व्यक्ति। तो मुझे क्या ईश्वर निराकार नहीं है? भगवान का निराकार एक शक्ति है, निराकार उनकी एक शक्ति है, निराकार जो सब जगह व्याप्त है, लेकिन इन अल्टीमेट सेंस गॉड इज नॉट निराकार। इन अल्टीमेट सेंस उनको निराकार इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनका मेटीरियल रूप, भगवान का मेटीरियल फॉर्म नहीं, जैसे हमारा मेटीरियल फॉर्म है ना, हमारा मतलब आत्मा का शरीर, आत्मा का भी अपना फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म, आत्मा की अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस है, उसके ऊपर ये कवर्ड है मेटीरियल सेंसेस। जैसे हाथ है, हाथ के ऊपर हम ग्लव्स पहन लेते हैं, तो ग्लव्स की 5 उंगलियां हैं, क्यों? क्योंकि हाथ की उंगलियां हैं, इसलिए ग्लव्स की उंगली। तो आत्मा का अपना शरीर, अपना वो स्पिरिचुअल फॉर्म है, अब उसके ऊपर ये शरीर है, तो इसलिए शरीर की भी एक फॉर्म है। तो आत्मा का भी फॉर्म है, भगवान परमात्मा है, उनका भी फॉर्म है, वो भी स्पिरिचुअल फॉर्म है, दोनों की स्पिरिचुअल फॉर्म है, आत्मा की और भगवान की। इसलिए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल फॉर्म है, उसमें इंद्रियां हैं, उसमें आंख है, हम भगवान से प्रार्थना करते, आत्मा प्रार्थना करती है, मतलब उसके अंदर मन होना चाहिए ना, प्रार्थना विचार होने चाहिए ना भगवान, और भगवान उसको सुनते हैं हमारी प्रार्थना को। तो भगवान के अंदर भी एक व्यक्ति होना चाहिए जो सुन सके, जो रेस्पॉन्ड कर सके, ये सब तो व्यक्ति गुण है ना। हवा जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती ना, आप हवा से प्रार्थना नहीं कर सकते, हवा कैनॉट रेस्पॉन्ड, करेक्ट? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना कि भगवान एक व्यक्ति है, तभी तो हमारी सुनेंगे, सुनेंगे मतलब एक सेंस है ना उनके अंदर सुनने की, ठीक है, रेस्पॉन्ड करेंगे मतलब एक मन है, बुद्धि है, गॉट इट? अच्छा, यस, सारी विल भी भगवान से आती है, वो भगवान के बैक पोर्शन में। जो भगवान को भूलना चाहते हैं वो उस उन गुणों को धारण कर लेते हैं, जो भगवान के सम्मुख रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो दुर्गुण उनको नहीं आते, वो भगवान के पृष्ठ भाग में है, लेकिन ओरिजिन तो सबका कृष्ण ही है, गुड और बैड एवरीथिंग। जो क्रिश्चियन और जो इस्लाम, जो उनकी जो फिलॉसफी है, उसमें क्या है कि इविल और गॉड, उन दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है ना, उनके अंदर ये कंसेप्शन है।
कि वो परेशान करते रहते हैं भगवान, लेकिन वैदिक फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि हर चीज का उद्गम तो भगवान ही है, भगवान मतलब जो सबके उद्गम है। तो ऐसा थोड़ा ना कोई इविल जो है उसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस है कि वो परेशान कर रही है भगवान को, भगवान तो सुप्रीम है, उनको कोई परेशान कैसे कर सकता है। लेकिन इविल जो है भगवान की एक शक्ति है, वो किसके लिए है, किन लोगों के लिए है, जो भगवान को भूलना चाहते हैं, उनको कवर करते हैं। गॉट इट? जैसे ना भगवान श्री कृष्ण भगवान एक बार आते हैं सारे, तो अपन यस को तो जैसे इसी में तो अपन को तो लीला ही मालूम है, यस और मैं लीला से मालूम चल जाएगी। जैसे यस मैं ना कोई और अवतार से आएंगे भगवान द्वापर युग में युग की यस स्थापना करने, तो यस ऐसे तो कितनी सारी लीला आएगी, अपन को तो सिर्फ अपने युग की मालूम है, अपन को तो युग की मालूम ही। हाँ, जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जैसे अलग अलग अवतारों में आएंगे तो इनकी अलग अलग लीलाएं होंगी, लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं कृष्ण लीला है वो, दैट इज बाई कृष्ण ओनली। जब भगवान इस जगत में आते हैं अन्य फॉर्म में, तो उस समय में वो आकर के वो जो वृंदावन धाम में जो लीला है वो वहाँ वो नहीं करते हैं, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार होती। फिर जब वो अन्य अवतारों में आते हैं तो अन्य रूप में आते हैं, और वो उस धर्म युग धर्म को स्थापित करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन ये जो वृंदावन जो लीला है, जो भगवान की कृष्ण की जो लीला है, वो उस अवतार में नहीं होती। जैसे राम भगवान की लीला है तो नहीं, वो भी सेम रहती है, वो भी बदलती है। भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो राम अवतार की जो है, वो जैसे वो उनके इटर्नल एसोसिएट हैं वो, जिनके साथ आते हैं, तो वो राम भगवान की लीलाएं, राम भगवान की, जब भगवान राम के रूप में आते हैं तब वो लीलाएं हो। मतलब जैसे अब हर बार राम भगवान बहुत बार आते होंगे, लेकिन यस हर बार नहीं आते राम भगवान। राम नहीं, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के उसमें एक बार आते हैं, भगवान भगवान के अलग अलग बाकी अवतार उस त्रितल में हैं, तो उसमें भगवान राम आते हैं उसमें, बार बार भी आते हैं भगवान राम के रूप में। कृष्ण जो है वो स्वयं एक ही बार आते हैं। तो जैसे अगर ये अभी तो कृष्ण भगवान की लीला है अपन को मालूम है, तो ठीक है, किनकी उसके अलावा जो भी लीला होती है, जो भी अवतार, अवतारों की? हाँ अवतार होते ओके, द्वापर युग, उनका अपन कभी जाने नहीं। द्वापर युग में, द्वापर युग में भगवान तो कृष्ण के रूप में आएंगे। जब कृष्ण के रूप में आ गए तो फिर जो अवतार, अन्य अवतार नहीं आएंगे उसमें, वो सारे अवतारों में भगवान कृष्ण के अंदर ही मिक्स होकर, मिक्स अंदर हैं, तो इसलिए उस समय वो लीलाएं नहीं होंगी, उस समय तो कृष्ण की ही लीलाएं होंगी। अन्य युगों में जैसे मान लीजिए अगला युग आया, अगला द्वापर युग आया, तो उस द्वापर युग में शास्त्रों के माध्यम से हमको पता है कृष्ण आए और उनकी ये लीलाएं होती है, शाश्वत होती है उनकी लीलाएं, ठीक है। और उस युग में, द्वापर युग में, भगवान जिस अवतार के रूप में आएंगे वो उस समय वहां पर धर्म की स्थापना करेंगे और अन्य लीलाएं करेंगे। उसका वर्णन जो है वो शास्त्रों में, द्वापर युग में भगवान किस प्रकार की लीलाएं करते हैं उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो सारी युगों में एक ही तरह की लीलाएं जो अभी समय जो में लीलाएं वो कुछ अगले कुछ अंतर होता है, जैसे एक जैसे वराह अवतार है, वराह तो वो हर एक मिलीनियम में आते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है अलग अलग टाइम के अंदर, मोर और लेस एक जैसी रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर होता है। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।